नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से स्कूलों में अभिभावकों की बैठक की जाती है। यह मीटिंग पेरेंट मीटिंग कहलाती है। प्रत्येक माह या दो माह के भीतर बच्चों के माता पिता को बुला करके स्कूल में बुला करके मीटिंग ली जाती है ताकि वो अपने घरों में रहने वाले बच्चों को किस तरीके से उनको घर में पढ़ाई करनी है, किस तरीके से उनका देखभाल रखनी है और कोरोना के समय पर कैसे अपने बच्चों को देखभाल करना है, ये सब चीज़ों के बारे में अभिभावक गुरुजियों के द्वारा बताया गया है। और ये इस तरीके से मीटिंग ली गई है अपने क्लास के बच्चों को बुला करके, पिताजी को बुला करके, माता पिता को बुला करके, और एक ये मीटिंग का गठन किया गया है। ये सभी अभिभावक आए हुए हैं, सदस्य हैं, उनके माता पिता हैं या किसी के भाई बंधु बहन हैं, सभी लोगों को बुला करके और एक मार्गदर्शन दिया गया है। और बहुत ही अच्छा काम होता है इस तरीके से अगर करते हैं, सभी स्कूलों में होता है, पर सरकारी स्कूल है तो गुरुजी के द्वारा किस तरीके से प्रेरणा दी गई है, किस तरीके से बताया गया है, चलिए ये अपन स्वयं सुनते हैं। बच्चों की प्रगति के संबंध में बच्चों द्वारा क्या सीखा जा रहा है, आपके बच्चे कितने नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं और इसके साथ साथ COVID-19 और महामारी के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी कि जब आप लोगों को अति आवश्यक कार्य हो तभी आप दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाएं। और ये भी ख्याल रखें कि जब बात हम करें तो अपने मुंह पर मास्क अवश्य रूप से लगा के रखें। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर लें कि हमें ज्यादा देर उनके किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहना है क्योंकि यह महामारी अपना रूप पुनः पिछले वर्ष की भांति इसका प्रभाव बढ़ने लगा है। हम सब लोग यहाँ विद्यालय में दिया जाता है उस ग्रहकार को आप बच्चों द्वारा घर पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, यदि नहीं किया जा रहा है तो क्या कारण है। तो सुना आप लोगों ने कि किस तरीके से अध्यापकों के द्वारा माता पिता को मार्गदर्शन दिया गया है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रेरणादायक है। उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आप सब लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि अब ब्लॉग आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, स्कूल चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो, मार्गदर्शन बराबर वही मिलता है गुरुजी के द्वारा। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी गुरुजी बराबर ज्ञान देते हैं, ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का महत्व कम है, सभी जगह बराबर है। ये आप लोगों को देखकर ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। और इस तरीके से और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।